सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हर रोज मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के बारे में। तो आपके बिहार बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ी न्यूज जारी किया है, तो चलिए वीडियो को सीधा देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर हेडिंग देख रहे होंगे, इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए केंद्रों की तैयारी हो रही है सूची, यानी जहाँ जहाँ पे इंटर और मैट्रिक का एग्जाम होगा लेगा उसी की जो है केंद्रों की तैयारी हो रही है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जहाँ जहाँ सेंटर पड़ेगा वही अभी तैयार हो रहा है कि किस कॉलेज का, किस स्कूल का कौन सा सेंटर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह से संभाविक है मैट्रिक की परीक्षा, यानी फरवरी मंथ के तीसरे सप्ताह से मैट्रिक परीक्षा की संभावना है। केंद्रों में कैमरों की संख्या व उसकी क्षमता की भी मांगी रिपोर्ट, यानी कैमरों की संख्या और कौन चीज़ की उसकी क्षमता, यानी वो कैपेसिटी है कि नहीं, कि खराब उड़ाव है, तो उनकी भी मांगी रिपोर्ट। यानी आपका जहाँ से सेंटर पड़ने वाला है तो वहाँ की कैमरा और वो कैमरा ठीक कंडीशन पे चल रहा है कि नहीं, उसकी भी मांगी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पूरा बात कर लेते हैं यहाँ पर वीडियो में। आपके हैं बिहार बोर्ड के आदेश पर इंटरमीडिएट व मैट्रिक परीक्षा के लिए केंद्र की सूची तैयार करने की प्रक्रिया डीओ कार्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है। बोर्ड द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार इंटर व मैट्रिक की परीक्षा फरवरी के तीसरे सप्ताह से शुरू होगी। बोर्ड ने डीओ को जल्द सूची भेजने का आदेश दिया है। केंद्रों में कैमरों की संख्या के साथ ही वहां परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता का भी रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, कैमरा के साथ साथ कितना स्टूडेंट वहां पे अट सकता है उसका भी रिपोर्ट जो है मांगा गया है। ठीक है, आपके बोर्ड ने मांगा है। फिर क्या है, पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार इंटर व मैट्रिक परीक्षा में करीब 5 से 7 हज़ार परीक्षार्थी अधिक है, यानी पिछले बार से 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट अधिक है। डीओ कार्यालय के अनुसार आदेश के बाद केंद्रों की सूची तो बनाया जा रही है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक तो इस वर्ष परीक्षार्थी अधिक हैं, दूसरे कोरोना महामारी को भी नज़र में रखकर काम करना पड़ता है, तीसरे यह कि केंद्र पर चार दीवारियों के साथ ही बिजली, पानी, शौचालय, वाहन जाने का रास्ता व अन्य सुविधा भी होनी चाहिए। एक केंद्र के लिए काफ़ी देर तक मंथन करना पड़ता है। फिर हम लोग आए देख लेते आगे क्या है। डीओ बरिंद्र नारायण ने बताया कि इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा के लिए केंद्रों के चयन का काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही महाविद्यालय एवं प्लस टू स्कूलों को संबंध करते हुए परीक्षार्थी केंद्रों और केंद्राधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों के नाम की भी सूची तैयार की जा रही है। बोर्ड द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया कि इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2021 की तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, क्योंकि फरवरी के तीसरे सप्ताह में इसके परीक्षार्थी की तिथि निर्धारित है। इसलिए अभी से ही जिले में आवश्यकता के अनुसार परीक्षार्थी केंद्रों का निर्धारण, उनकी आवमन क्षमता एवं अन्य की सूची तैयार कर लें। चयनित केंद्रों में चार दीवारी, गेट, पर्याप्त कमरे, उस पर बेंच, डेस्क, स्वच्छ जल, शौचालय, रोशनी व अन्य की सुविधा होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग को यहाँ से समझ में आया कि आपका एग्जाम बिहार बोर्ड का मैट्रिक व इंटर के एग्जाम लेना है, कन्फर्म है, वो भी फरवरी के तीसरे सप्ताह में ही। ठीक है दोस्तों, उसी में कोई डेट निकालेगा। दोस्तों बिहार बोर्ड ने ना तो सिलेबस कम किया है, ना और कोई चीज़ किया है, ना बताया कि कौन कौन सा पूछेंगे, कुछ बताया भी नहीं, और एग्जाम के बारे में पूरा क्लियर कि एग्जाम लेंगे ही। तो दोस्तों अभी से ही आप लोग जो तैयारी शुरू कर दें, और आप जैसे देख सकते हैं कितनी परेशानी हो रही, स्टूडेंट भी बढ़ गए और कोरोना की वजह से, तो वो लोग को जो भी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग जो अभी अपना पढ़ाई पे मन लगा के रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी जो मेरा व्यू आ रहा है उसके हिसाब से 92% जो है अनसब्सक्राइब है। अनसब्सक्राइब मतलब क्या, कि अगर 100 व्यू है तो उसमें सिर्फ 8 व्यू सब्सक्राइब किया हुआ दिखता है और 92 व्यू जो है वो अनसब्सक्राइब किया हुआ दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम लोग को और काम करने का मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।